Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. भारतीय क्रिकेट टीम के स्पिनर युजवेंद्र चहल अपनी नई पारी की शुरुआत कर रहे हैं। 22 दिसंबर मंगलवार को चहल ने धनश्री वर्मा के संग 7 फेरे लिए हैं। टीम इंडिया के इस स्टार गेंदबाज ने कुछ महीने पहले ही धनश्री के साथ सगाई की थी और इसके बाद अब दोनों ने एक निजी समारोह में शादी के बंधन में बंधने का फैसला लिया है। गुरुग्राम के साउथ सिटी वन निवासी क्रिकेटर युजवेंद्र सिंह चहल मंगलवार को यूट्यूबर व डेंटिस्ट धनश्री वर्मा से परिणय सूत्र में बंध गए। मानेसर स्थित होटल कर्मा लेकेंड में विवाह समारोह संपन्न हुआ। बताया जाता है कि गुरुग्राम में जो स्थित मानेसर होटल कर्मा लेकेंड है वो काफ़ी ज़्यादा भव्य है और वहाँ पर बड़े बड़े सेलिब्रिटी और बड़े बड़े सितारों की शादी होती रहती है और यहीं पर जो है धनश्री वर्मा और युजवेंद्र चहल ने भी अपने शादी के रिश्ते में बंध गए हैं। बात करें तो युजवेंद्र के पिता के चहल ने बताया कि कोविड स्थिति को देखते हुए बेहद कम मेहमानों को बुलाया गया था, केवल उनके कोच और कुछ करीबी रिश्तेदार ही इस समारोह में शामिल हुए थे। शादी का न्योता टीम इंडिया के सदस्यों को भी नहीं दिया गया था। इसका कारण यह है कि टीम इंडिया इस समय ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर है। युजवेंद्र भी ऑस्ट्रेलिया गए थे लेकिन टेस्ट सीरीज का हिस्सा न होने के कारण वे वापस आ गए और इस दौरान उन्हें समय मिला तो उन्होंने शादी के लिए अपना समय चुना है। बता दें कि युजवेंद्र सिंह चहल ने इसी साल अगस्त में मुंबई में कोरियोग्राफर धनश्री वर्मा से रोका किया था। उसके बाद से धनश्री लगातार अपने कोरियोग्राफ किए हुए वीडियो के जरिए लाइमलाइट में बनी रहती हैं। धनश्री पेशे से डेंटिस्ट हैं और उन्हें कोरियोग्राफी और कॉमेडी का भी बेहद शौक है। वीडियो नियमित रूप से इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर पोस्ट करती रहती हैं और शादी के बाद युजवेंद्र चहल के जो फैन हैं वो कहीं ना कहीं उनको शादी की ढेर सारी शुभकामनाएँ दे रहे हैं। और BCCI की बात करें या फिर RCB रॉयल चैलेंज बंगलोर की बात करें तो वो भी इनको बधाई दे चुके हैं। न्यूज रूम से न्यूज लाइव की रिपोर्ट। सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स।